राह जब राम से जुड़ी हो तो समुद्र लांघने की चिंता बेमानी हो जाती है। ये यात्रा ऐसी ही थी। वैसे आधी रात में सन्नाटे को चीरती अथाह समुद्र की लहरों का शोर और समुद्र से चंद फीट की ऊंचाई पर रेंगती ट्रेन किसी की भी नींद उड़ाने के लिए काफी थी। घुप अंधेरे में दूर की टिमटिमाती रोशनी और मोबाइल की लाइट में लहरों को टटोलती आंखें समुद्र की विकरालता महसूस करने लगी थी, लेकिन मन रोमांचित था। आधे में मैं और आधे में समुद्र है। अंदर चलो तुम, आधे में समुद्र है। मैं तुमको देख के अंकुर तुम्हें रेड वेंचर से समुद्र तो फोटो लगता है। बोगी का कोई खिड़की दरवाजा खाली नहीं बचा था। 10 जोड़ी आंखें अपनी पोजीशन लेकर बको ध्यान थी तो 20 हाथ बैलेंस बनाने और तस्वीरें निकालने में तब तक तल्लीन रहे जब तक कि रामनाथपुरम जाने वाली रेलगाड़ी ने पम्बन ब्रिज पार कर जमीन नहीं पकड़ ली। थोड़ा सा अलग है पर बहुत खूबसूरत है। वेरी गुड, वेरी गुड। अमेजिंग एक्सपीरियंस। वाओ, ये बीच बीच में आपको सड़क के पुल वाली लाइट दिखा दे रहा हूँ। चारों धाम साथ लेकर यानी सपत्निक हम दो श्रवण कुमार मेगा तीर्थ पर थे। 3 तानपुरे, 2 सारंगी और 5 तबले गिटार वाली हमारी मंडली निकल चुकी थी तमिलनाडु तांडव के लिए और सबका नेतृत्व कर रहे थे घुमक्कड़ लड्डू गोपाल। पानी ले बो हो, पानी ले बो हो। हमारी रेल यात्रा 9 नवंबर को सिकंदराबाद से पूरी तैयारी के साथ शुरू हुई। तकरीबन 1300 किलोमीटर की दूरी और 25 घंटे की ट्रेन जर्नी के दौरान रसद कम ना पड़े इसका खास ध्यान रखा गया था। कुहू, गन्नू और वासु ये तीनों तानपुरे कभी भी सुरलहरी छेड़ देते तब उनके डेडली कॉम्बिनेशन का इम्पैक्ट या तो मोबाइल से शांत होता या फिर रसद की छोटी कुरमुरी पोटलियों से। और ये है इस सफर का सबसे क्यूट बच्चा, रुसल फूफा। टें टें टें। 5 पुड़िया पान के साथ यात्रा शुरू करने वाली सारंगी यानी पापा का पान आलाप पूरी यात्रा जारी रहा तो दूसरी सारंगी यानी चाची अपने लड्डू गोपाल में रमी रही। हालांकि इन 5 पात्रों को कंट्रोल में रखने के लिए हम 5 तबले गिटार यानी अनुज अरुण जी, भाभी, धर्म पत्नी, मैं और सखा सुनील भी कम ही पढ़ने वाले थे। हेलो, हम अभी सिकंदराबाद में हैं और जल्द ही ये ट्रेन चलने वाली है, खुलने वाली है। ये ट्रेन है सिकंदराबाद टू रामेश्वरम एक्सप्रेस। तेलंगाना से खुली छुक-छुक वाया आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में दाखिल हुई। चेन्नई, चिदंबरम, माना मदुरै होते जब रामेश्वरम पहुंची तो घड़ी की सुई रात के 12 बजा चुकी थी। शहर में सन्नाटा पसरा था। हमने ऑटो लिया और चंद मिनटों में हम अग्नि तीर्थम के सामने थे जहां से चंद कदम की दूरी पर था बाप्पा सीताराम मठ, यानी हमारे यायावरी ठहराव का एक अद्भुत और विलक्षण इंतजाम। एक तरफ अट्ठास करता समुद्र, मौसम का बिगड़ता मिजाज और 1:30 बजे रात में सोकर सुबह 4 बजे जागने की चुनौती, लेकिन हमने डट कर इसका सामना किया। हालांकि सुबह में रिमझिम बारिश ने हमें थोड़ा डिगा डाला और हम 4 की बजाय 5 बजे मंदिर पहुंचे, लेकिन रामलिंगम के दर्शन, अग्नि तीर्थम में आस्था की डुबकी और 22 कुंडों में स्नान से हम सुबह 8 बजे तक फारिग हो चुके थे। समुद्र और कुंड स्नान के दौरान कलरव करते तीनों तानपुरे अब भूख भूख कहकर कोहराम मचाने लगे थे तो वहीं दोनों सारंगियों का उत्साह चरम पर था। उधर तबले और गिटार नाश्ते के टेबल से ही अगली प्लानिंग में जुटे थे ताकि शहर का कोई कोना देखने से न छूट जाए। रामेश्वरम हमारा पहला पड़ाव था। भगवान शिव को समर्पित ये धर्मनगरी दरअसल हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा शंख आकार का एक द्वीप है। तमिल में इरोमेश्वरम कहे जाने वाले इस तीर्थ नगरी में
भगवान राम ने शिव की आराधना की थी, इसलिए इसका नाम रामेश्वरम पड़ा। यह रामनाथ स्वामी मंदिर में दो लिंगम हैं, एक प्रभु राम द्वारा स्थापित रामलिंगम और दूसरा हनुमान द्वारा कैलाश से लाया गया विश्वलिंगम। विश्वलिंगम के दर्शन आप पूरे दिन कर सकते हैं, लेकिन रामलिंगम का दर्शन रोजाना एक ही बार किया जा सकता है, अहले सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक। सुबह रामलिंगम दर्शन के लिए 2 कतार लगती है, पहली कतार साधारण दर्शन ₹50 के टिकट वाली और दूसरी ₹200 वाली VIP दर्शन कतार। वहीं ₹25 के अलग से टिकट लेकर आप आसानी से 22 कुंडों में स्नान कर सकते हैं। शुरुआत अग्नि तीर्थम यानी समुद्र में डुबकी लगाने से होती है, फिर आप 22 कुंड स्नान या सीधे दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। देर से शुरू हुई हमारी मंडली ने भी अग्नि तीर्थम में डुबकी के बाद सीधे दर्शन को तरजीह दी और बाद में कुंड स्नान किया। अगले 3 घंटे जठराग्नि शांत करने, तात्कालिक अल्प विराम और वाहन सुनिश्चित करने में निकल गए। तकरीबन 11 बजे आखिरी सड़क के सभी भूत तैयार थे धनुषकोटी जाने के लिए। हम लोग रामेश्वरम मंदिर से अब जा रहे हैं धनुषकोटी के लिए। धनुषकोटी के अलावा 8-10 और भी ऐसे घूमने के स्थान हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप जा करके रामेश्वरम को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारे साथ पूरी टीम है और ये पूरी टीम अगर आप देखें, अब है आपके सामने लल्लन द ग्रेट यानी पुल्ला। मेरे चैनल पे ये वीडियो आ रही है। अले बाबा। और ये है वासु द ग्रेट, ये। और आप देखिए कैमरा आगे निकलता हुआ, ये इधर। हेलो हेलो हेलो, बैठ, ये देखिए, बैठ जाओ वासु। ये हेलो, और ये मैं और मेरी कन्या दोनों, ये है माता जी, ये। और सबसे आगे बैठे हैं दादाजी गन्नू और दादाजी, ये। और अब ये है मेरी पोकू बेटी लल्लन पुल्लन लल्लन। भूतों के शहर की यात्रा से पहले ही आसमानी बूंदों ने भी पनाह मांग ली थी। सुर्ख समुद्री हवाएं, बादलों से भरा गगन और 20 किलोमीटर सागर किनारे की सड़क नैसर्गिक एहसास के साथ हमें भारत के आखिरी छोर तक पहुंचा चुकी थी। यहाँ का नज़ारा रोमांच पैदा करने वाला था, आधा समुद्र शांत और आधा अट्टहास करता। एक तरफ पथरीले किनारे तो दूसरी तरफ उजली रेत। और ये देखिए हम लोग धनुषकोटी पहुंच गए हैं। ये है धनुषकोटी, ये आखिरी पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आखिरी पॉइंट है सामने जो। कहा जाता है कि यही वो जगह थी जहां प्रभु राम ने माता सीता को वापस लाने और लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम सेतु बनाया था। वक्त के साथ ये सेतु समुद्र में समा गया, लेकिन इसके निशान आज भी यहां मौजूद हैं। ये देखिए, ये हमारे बाबा सीता चढ़ गए हैं टिटिंगे पे और अब उतरना मुहाल हो रहा है। देखिए कहाँ टिटिंगा चढ़े थे और अभी आ रहे हैं हमारे पास। आइए आइए, आ जाइए, आप भी आ जाइए। लाल दुपट्टा, अच्छा पिंक दुपट्टा, पिंक दुपट्टा उड़ गया रे। धनुषकोटी से जुड़ी एक और कहानी इसे भूतिया भी करार देती है, जिसके मुताबिक साल 1964 में पूरा धनुषकोटी समुद्री सुनामी में तहस नहस हो गया, सारे लोग मारे गए। तब से अंधेरा होने के बाद यहाँ कोई नहीं आता। शहर के वीरान खंडहर को लेकर भी तरह तरह की कहानियां यहाँ प्रचलित हैं।
हमारी मंडली भी यहाँ इतिहास ही बनाने पहुंची थी। पत्थरों पर कूदती मटकती, नमकीन बूंदों से दो चार होती और लहरों से अटखेलियां करती तस्वीरें नई पटकथा तैयार करने में लगी थी। रेतीले किनारे समुद्री सीपों का संग्रहालय बने थे, जो हमारे तानपुरों की आश्चर्य मिश्रित झोली भरने पर आमादा थे। नन्हे हाथों से छलकते सीपों ने तब तबले गिटार की जेबों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। अंतहीन सा दिखता सागर और उसके दूर तक फैले किनारों पर हम 10 का दम दिखाने में लगे थे। कल्पना से परे था पूरा नजारा। मुट्ठी से फिसलते रेत की तरह बीतता वक्त और हमारी बेपरवाह मस्ती ने कैब ड्राइवर को अब विचलित करना शुरू कर दिया था। तेजी से बीतता समय उसकी मुसीबत न बढ़ा दे, इसलिए वो हर दूसरे मिनट हमें ताकीद करने लगा था। वापसी में ही कुछ ही मिनटों की दूरी पर विभीषण का मंदिर था। ये वो जगह थी जहां प्रभु राम ने लंका जीतने के बाद विभीषण को लंका का राजा घोषित कर उनका राजतिलक किया था। रावण के भाई विभीषण का ये इकलौता मंदिर धनुषकोडी के पास ही समुद्र के किनारे अपनी उपस्थिति दर्ज कराता खड़ा है। ये विभीषण जी का मंदिर है और इसकी खासियत ये है कि जब राम जी लंका जीत कर यहाँ आए थे और तब यहीं पर आकर उन्होंने विभीषण जी का राज्याभिषेक किया था, तब से यहाँ ये मंदिर बन गया। बिल्कुल अलग और अनोखा मंदिर है जो और कहीं भी नहीं। यही नहीं, रामेश्वरम में लक्ष्मण मंदिर, राम पादुका जैसे मंदिरों के दर्शन भी हुए। रामेश्वरम में एक और मुख्य आकर्षण था पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का घर, जो अब संग्रहालय में बदला जा चुका है, और साथ ही कलाम मेमोरियल। देर शाम मठ वापसी के बाद एक बार फिर विश्वलिंगम दर्शन की चाहत हमें मंदिर तक खींच लाई। दर्शन के बाद वहां मिले लड्डू प्रसादम ने हमें अभिभूत कर दिया। फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग और हल्के भोजन के बाद बारी थी बैकपैक की। हालांकि तानपुरों ने पहले ही लंबी तान ली थी, सारंगियां भी निढाल थीं और हम भी जल्द ही राग खर्राटा छेड़ने को आतुर थे। लिहाजा झटपट सामान सहेजा ताकि एक अच्छी नींद के बाद अहले सुबह भोलेनाथ से विदा ली जा सके। तो चलिए जल्द मिलेंगे अगले पड़ाव तक की गिटपिट लेकर। तब तक के लिए राम राम।